इधर ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में पापा से मेले के लिए जाते हैं। वो अभी हेरा और सियोंजो के शादी का बात करता है। पापा कहता है अभी तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग ये सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पर ग्रैंडफादर कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो सोच लिया है कि मैं उन दोनों को एब्रॉड भेजूंगा। आप लोग एक बार सोचिए कि वो दोनों इतने इंटेलिजेंट हैं, तो उनके बच्चे कितने इंटेलिजेंट होंगे। ग्रैंडफादर कितने भी कुछ कहते लेकिन मम्मी इन सब में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इधर जुंगू और हानी डेट के लिए जाते हैं। पहले वो लोग थिएटर में जाते हैं तो जुंगू इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो टाइम से बहुत पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर हानी आती है और फिर वो दोनों थिएटर के अंदर जाती है, तो पूरे दिन वो लोग बहुत अच्छे से डेट एंजॉय करती है। जुंगू हनी को बहुत स्पेशल फील करवाता है, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे फोटो भी खिंचवाते हैं। इधर सियोंजो और हेरा भी डेट पे आए हैं, लेकिन सियोंजो को बार बार हनी की याद आ रहा था। रात में ये दोनों एक कैफे में होते हैं, तो ये लोग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी ये देखते हैं हनी और जुंगू भी उसी कैफे में आए हैं। उन्हें वहाँ पे देख के सियोंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहता है कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ये सुन के जुंगू बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम दोनों भी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर हनी जुंगू को खींच के वहाँ से लेके जाती है, पर सियोंजो को देख के लग रहा था कि वो उन दोनों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो बात हेरा भी नोटिस करती है, तो सियोंजो के साथ हेरा को देख के हनी तो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। जुंगू कहता है हनी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम सियोंजो को, पर सियोंजो तुम्हें पसंद नहीं करता। ये 4 साल से होता आ रहा है, अब इसे रोकते हैं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार कर सकता हूँ, तुम जब भी नजर उठाओगी मुझे ही पाओगी, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगे। हनी तो ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। इधर ये दोनों भी कैफे से निकल जाती है, तो सियोंजो हेरा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये देख के हेरा कहती है कि मेरे पास हाथ नहीं है, अगर हानि होती तो तुम यही कहते ना। सियोंजो हाँ कहता है। ये कहती है तुम उसके साथ इतना खड़ूस क्यों बनते हो, अच्छा होता अगर तुम मेरे साथ भी खड़ूस बनते। इधर हनी घर आ जाती है, वो तो बहुत ज्यादा अपसेट थी। कुछ देर बाद जब सियोंजो आता है, मम्मी उसे दरवाजे पे रोकती है और कहती है बिना बताए मैरिज मीटिंग को जाती हूँ और फिर डेट पे भी जाती हूँ, तुम चाहते क्या हो। ये कहता है ये मेरा जिंदगी है, और गुस्सा करते हुए अपने रूम के तरफ चला जाता है। रूम के बाहर हनी उससे पूछती है तुम्हारा डेट कैसा गया। सियोंजो कहता है बहुत अच्छा, और तुम्हारा। हनी कहती है मेरा भी। दोनों कह तो रहे हैं कि वो दोनों बहुत मजे किए हैं, पर उन दोनों के चेहरे में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। नेक्स्ट डे ये बात हनी अपने दोस्तों को कहती है, वो लोग तो ये सुन के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तो तुमने क्या कहा। हनी कहती है कुछ भी नहीं। ये लोग कहते हैं देखो हनी अब सियोंजो शादी कर रहा है, अब तुम उसे छोड़ के जुंगू के बारे में सोचना शुरू करो, वैसे भी तुम जुंगू के साथ ही सबसे अच्छे लगते हो। तो रास्ते में चलते हुए हनी इसी बात को ही सोच रही थी, तभी वो किसी के साथ टकरा जाती है और उसकी बैग नीचे गिर जाती है, तो वो हेरा थी जो उसकी बैगों से उठा के देती है। वहाँ पे सियोंजो भी था, क्योंकि आज वो दोनों फिर से डेट पे आए हैं। हेरा कहती है हम दोनों रेस्टोरेंट जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। और फिर तीनों हनी के पापा के रेस्टोरेंट में आते हैं। हनी के पापा सियोंजो के साथ हेरा को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। लेकिन जुंगू कह देता है कि हेरा सियोंजो के फियोंसे है। ये सुन के पापा को बुरा लगता है और उन्हें पता है कि हनी को भी कितना बुरा लग रहा है, लेकिन वो उनके सामने कुछ नहीं कहता। फिर वो तीनों एक साथ खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे हेरा सियोंजो के घर में जाती है। मम्मी तो उसे वहाँ पे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक केक का बॉक्स देख के मम्मी को लगती है कि ये हेरा ने लाई है, इसलिए वो कहती है तुम केक क्यों लाई, घर में तो कोई भी केक नहीं खाता। हनी कहती है आंटी वो केक मैंने लाई है। ये सुन के मम्मी कहती है बहुत अच्छा की केक तो मेरा फेवरेट है, हेरा सबके लिए राइस केक लाई है। मम्मी कहती है राइस केक तो राइस केक जैसी ही लगती है, इसलिए मैं तो अपना केक खाऊंगी। तो उनकी ये सब देख के ये दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी हेरा के सामने सियोंजो का बुराई करती है, कहती है ये बहुत ही खड़ूस इंसान है, हमेशा किताब पढ़ता रहता है और उल्टा जवाब भी देता है, और सबसे बड़ी बात ये लड़कियों से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता।
उल्टा उनके लव लेटर में करेक्शन करता है। ये सुन के हेरा कहती है कि तुमने सच में ऐसा किया है, क्योंकि मैंने भी ये किया है। मम्मी कहती है तुम दोनों कौन से मिट्टी से बने हो, बिल्कुल बोरे। हेरा के जाने के बाद सियोंजो मम्मी से कहता है, मुझे पता है कि आप ओहानी को पसंद करती है, पर आप मुझे उसे पसंद करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मम्मी कहती है तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम हनी को पसंद करते हो, पर तुम मानना नहीं चाहते। तुम्हें पता है ना इससे हनी को कितना हर्ट हो रही है। हनी कहती है आंटी मैं ठीक हूँ, लेकिन सियोंजो गुस्सा करती हुई वह से चला जाता है। उसके बाद मम्मी पापा से कहती है, मुझे लगती थी कि सियोंजो हनी को पसंद करता है, पर अब तो सब खत्म हो गया, और दोनों ही बहुत दुखी हो जाती है। तभी योंजो रूम से बाहर आके कहता है, भैया हनी से प्यार करता है, इसलिए आप मत रोइए मॉम, और भाग के सियोंजो के पास जाता है और कहता है, क्या आप सच में हेरा से शादी करेंगे, क्योंकि आप तो हनी को पसंद करते हैं। सियोंजो कहता है, तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ साथ मैं हेरा को पसंद करने लगूंगा। योंजो और कुछ नहीं कह पाता। योंजो ये सब कह रहा है क्योंकि उस दिन जब हनी बेंच में बैठ के सो रही थी, तब उसने सपना देखी है कि सियोंजो ने उसे आगे किस किया है, पर ये रियल में हुआ है। तो योंजो भी वहाँ पे था और वो ये सब कुछ देख लेता है। सियोंजो ने उसे इस बारे में किसी को कहने से मना करता है, इसलिए योंजो आज तक इस बात को किसी को नहीं कहा, और अपने आप से कहता है कि ये तो श्योर है कि भैया हनी से प्यार करता है, तो फिर वो हेरा से शादी क्यों कर रहा है। रात में हनी अपने पापा को कहती है, पापा अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बाद में सबको बहुत परेशानी होगी। पापा कहते हैं, तुमने सही कहा, वो लोग कितना भी रिक्वेस्ट क्यों ना करे, हमें यहाँ पे वापस आना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट डे हनी जब कॉलेज में थी, जुंगू से रेस्टोरेंट बुलाता है। इधर सियोंजो टेनिस क्लब में आता है। जूरी और मीना भी वहाँ से ही जा रहे थे, तो वो लोग हनी के बारे में जोर जोर से बात करने लगते हैं, ताकि उनके हर एक बात सियोंजो सुन पाए। तो ये दोनों कहते हैं, अरे हनी तो जुंगू से मिलने के लिए गई है ना, किसे पता था कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगा। वैसे भी आज हनी उसे आंसर देने वाली है, इसलिए तो इतना तैयार होके गई है, मतलब कि सबसे पहले हनी की शादी होगी। इधर सियोंजो को देख के लगता है कि वो ये सारी बातें सुन के बहुत जेलस फील करता है। इधर रात में हनी जब रेस्टोरेंट जाती है, जुंगू उसे बहुत सारी डिश ट्राई करवाता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा होता है। हनी भी उसकी बहुत तारीफ करती है। तो जुंगू उससे पूछता है, मैंने जो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, तुमने उस बारे में क्या सोचा। हनी कहती है, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। तभी जोर से बिजली कड़कती है और हनी डर के जुंगू के ऊपर गिर जाती है, और हनी को इतने पास देख के जुंगू से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हनी को ये सब सही नहीं लग रही थी, इसलिए वो जुंगू को सॉरी बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो जब बस से उतरती है, तब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, और देखती है कि सियोंजो वहाँ पे बैठा हुआ है। हनी के पूछने पर सियोंजो कहता है, मुझे पता था कि तुम छाता लेके नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। फिर दोनों एक साथ एक ही छाते के नीचे चलते हैं। सियोंजो कहता है कि जुंगू ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तो तुमने क्या आंसर दिया। हनी कहती है, कुछ भी कहा हो तुम्हें उससे क्या, वैसे भी मैं तुम्हारा घर छोड़ने वाली हूँ, जुंगू बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए मैं रेस्टोरेंट में उसे मदद करूंगी। सियोंजो कहता है, क्या वो तुम्हें पसंद है। हनी कहती है, जरूर, वैसे भी वो मुझसे 4 साल से प्यार करता है। ये कहता है, तो क्या आप उसके पसंद करने से तुम भी उसे पसंद करोगी, तुम सिर्फ मुझे पसंद करती हो। हनी कहती है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, पर अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी मुझे पसंद नहीं करोगी। ये सुन के सियोंजो अपना छाता हटा के हनी को किस कर देता है, और कहता है कि कभी ये मत कहना कि तुम किसी और को पसंद करती हो। हनी कहती है, तुमने दूसरी बार मुझे किस किया। सियोंजो उसे हक करते हुए कहता है, दूसरी नहीं, ये तीसरी बार है, वैसे भी ये सब गिनने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आई कि अगर ये इसे इतना ही पसंद करता था, तो ये इसे इतना दुख क्यों देता था, और हनी की तो थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सियोंजो बस एक बार कहा कि वो उसे पसंद करता है, और ये मान गई। इधर घर के अंदर हनी के पापा सियोंजो के पेरेंट्स को कहता है कि वो
हनी को लेके ये घर छोड़ के जाना चाहता है, नहीं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। तभी ये दोनों घर आते हैं तो योंजो कहता है, भाई आपको पता है हनी घर छोड़ के जा रही है। ये सुन के सियोंजो हनी का हाथ पकड़ता है और कहता है, अंकल मुझे आपकी परमिशन चाहिए क्योंकि मैं हनी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये सुन के सभी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो पापा कहते हैं, तुम्हें तो पता है कि हनी किसी भी चीज में अच्छी नहीं है, उसे खाना बनाना नहीं आती और पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है, पर हनी तुम्हें बहुत पसंद करती है इसलिए मेरी तरफ से हाँ है। ये सुन के सभी तो बहुत खुश होते हैं, मम्मी तो खुशी से नाचने लगती है। योंजो कहते हैं, मुझे तो ये पहले से ही पता था, और हनी तो अभी भी ये सब कुछ विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा है।